मैं राम राम है। सबसे पहले जाजर एरिया विस्तार में जो एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक और संवैधानिक की जानकारी के लिए एकत्रित करने वाले सारे युवा साथियों की टीम और भाई विनोद जी का, आप सब इस गांव से परिवार से आए हुए बहनों माताओं वडीलों आगेवानों बालक बालिकाओं और हमारे साथ में समाज के लिए काम करने वाले सारे साथियों, हम सब आप सभी का नमन करके जोहार करता हूं। सबसे पहले बात शुरू करने से पहले मैं यहां बता देना चाहता हूं कि यहां पर बातें जो होगी वो आज तक हमारे समाज को न तो किसी ने बताई या हमारे समाज के बारे में क्या क्या ऐसी जानकारी है वो जानकारी कुछ लोगों ने दबा रखी, और इसके अलावा जो इस देश में पूरे भारत में आदिवासी इस देश का कौन है या आदिवासी के बारे में आज तक जिन जिन लोगों ने जो जो बात करी, यहाँ तक हम लोग इस बात को लाए हैं। लेकिन इस बात को और आगे हम कैसे ले जाए, इस देश में ये आदिवासी कौन है, उसकी भी हमारे साथ में यहाँ पर जो बात होगी वो आदिवासी और सरकार, अब सरकार कौन है कौन नहीं है उसके बारे में भी यहाँ पर खुलासा होगा। आप लोगों को अच्छे ढंग से इस बात को समझना होगा कि सही क्या है गलत क्या है वो आप लोगों को तय करना है, और आगे चल के हमें हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चों का जिंदगी, आने वाले समाज की जो जिंदगी है उसके बारे में कम से कम हम सबको सोचने की जरूरत है। आज तक ये जो सारा इलाका है, ये इलाके में जिन जिन लोगों ने जो जो काम किए, जो जो भी परिस्थितियां थी, लेकिन हमारे समाज को आज तक हमारे समाज के बारे में क्या क्या बात है वो किसी ने बताई नहीं है, वो बातें आज तक, क्योंकि जिन जिन लोगों ने जो जो बातें करी उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी काम को लेकर, निजी स्वार्थ को लेकर हमारे समाज को लूटने का काम किया। लेकिन सही क्या है गलत क्या है उसकी आज तक किसी ने इस बात की जानकारी नहीं दी। यहाँ पर आदिवासी समाज, आदिवासी परिवार पूरे इलाके में, पूरे देश में काम चल रहा है, लेकिन सही क्या है गलत क्या है हमें जाना कहाँ है भाई। आज तक ये जो समाज आया, हम सब सारे इलाके के और पूरे देश के आदिवासी एक है, तो फिर कहाँ गड़बड़ी हुई उसके बारे में हमारे समाज को जानने और समझने की जरूरत है। हमारे युवाओं को, बच्चों को या जो भी साथी जो समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ना लिखना तो अपने को अवश्य है, लेकिन कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ाई करनी है, किस तरह जाना है, ये सारे रास्ते हमको जानने की जरूरत है। मैं सबसे पहले एक तो कि हमारी जो परंपरा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा इतिहास क्या है, इसके बारे में कुछ लोगों ने बात करी, सही क्या है गलत क्या है इसकी आज तक किसी ने बात जानकारी नहीं दी। इसीलिए हमारे समाज में चारों राज्यों मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र सभी जगह पे काम चल रहा है। काम दो तरह के चल रहे हैं, जो कि एक तो इंडिया भारत जो नॉन जुडिशियल कहवा है कुदरती, उसकी बात चल रही है, जो कि भारत सरकार और भारत सरकार क्या है और आदिवासी क्या है उसके बारे में। दूसरा यह है कि संविधान, और संविधान भी वो कहाँ तक चल रहा है हमारा संविधान है, और संविधान में भी इन लोगों ने जिन जी जो लोग सत्ता में आए इन लोगों ने इस संविधान को भी खत्म किया। संविधान को खत्म तो किया, लेकिन खत्म के साथ में हमको ये समझना है कि भाई इस समाज को किधर ले जाना था और किधर चले गए। आज हम लोगों ने हमारे जो ये पुरखे का नाम लिया गया राणा पूंजा भील, ऐसे इस देश में
बिरसा मुंडा जैसे, तातिया भील जैसे और कई इस देश में महान क्रांतिकारी आए, उन लोगों को भी धोखे से खत्म करके समाज को पराजित किया। और इस देश में जिन जिन लोगों ने समाज के साथ में, क्योंकि जिस समाज का खाते हैं उसी समाज का शोषण करते हैं, वे लोग भी हमारे बीच में आके और हमारे बीच में लाकर वोट लेके चले जाते हैं, यही करते हैं ना भाई। इसके अलावा भी ये कुछ काम करते ही नहीं है। तो हमें इस समाज को कैसे बचाना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये समझने की जरूरत है। अब हम छोटी सी भाषा में बोल दूं कि भाई ग्राम सभा क्या है। रूढ़ी और प्रथा जो कुदरती हमारे जो बाप दादे जिस तरीके से हमारे समाज को चलाते थे, हमारा जो व्यवहार चलाते थे, हमारा जो हमारे इलाके में जिस तरीके से जो पर्यावर जी बारमू अपने होके उसको हमारे इलाके में जिस तरीके से हमारा समाज बैठ के तय करता है, एक दिन तय करता है और वहां पे को बारमा या काकटा जिसको कहते हैं वो काम करते हैं। अपने इलाके में थोड़ा चेंज है। यहाँ चेंज कैसे है कि यहाँ पर जब वो जिस घर के पास में व्यवस्था होगी तब वो काम करते हैं। तो ऐसा हमको ये और इस बात को भी आपको सोचने की जरूरत है। अब जो आदमी मर गया तो उसके बारे में हम तो समाज के लोग मिलके और उसका खुलासा करते हैं कि आज जो आदमी हमारे बीच में था वो हमारे बीच में नहीं रहा, इसके लिए लास्ट अंतिम दिन जोहार करके और फिर हम उसकी विदाई करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? पर यहाँ पर क्या है, दूसरा तरीका है थोड़ा। तो ये सारी बातें हमको और हमारे समाज को समझने की जरूरत है कि आगे हम इसके बारे में क्या करेंगे। तो कुदरती जो बात है, ग्राम सभा की जो बात है, वो संविधान के आर्टिकल 13(3) का उसके अंदर है कि भाई आदिवासियों का एक विशेष अधिकार है जो कि उनका जो भी व्यवहार है वो कुदरती चलता है और जो भी नियम जो कानून है वो समाज के अनुसार चलते हैं। लेकिन हमारा समाज आज तक जागा नहीं, और जागा तो दूसरे के चक्कर में आके और समाज गलत रास्ते पे चला गया। तो अब हम हमारे घर में कोई भी हमारे काम में कोई भी करते हैं, कादीरा करते हैं या कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसका समाधान जो है वो गांव में ही करते थे, गांव में ही करते थे कि नहीं करते थे, कर रहे हैं। लेकिन अभी चक्कर ये पड़ गया कि अभी लोकपाल क्या करते हैं, कुछ भी हो गया तो सीधे चले गए पुलिस के पास में। तो वो जो काम हो रहा है उसको हमें रोकना चाहिए और उसको हमें रोकना होगा, तब जाके ये समाज बचेगा। नहीं तो अब आपको कोई बचाने वाला आने वाला नहीं है। ये अंतिम राह रास्ता है, अंतिम जगह है। अब ऐसा कोई रास्ता इस देश में, इस दुनिया में कोई आने वाला नहीं है। ये जो समाज का जन जागरण चल रहा है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, जहाँ जहाँ भी समाज के जो लोग हैं जो कि समाज की जो सही चिंता करते हैं वो ये समाज का काम कर रहे हैं। तो हमें हमारे समाज को किधर जाना है किधर नहीं जाना है ये तय करना है। दूसरा है कि हमारी जो रूढ़ी प्रथा जो संविधान में है 13(3)(1), लेकिन आज तक इन लोगों ने हमको नहीं बताई। और ऐसे कैसे नहीं बताई कि अगर ये सारी बातें इनको पता चल गया तो ये लोग हमको ठीक से रहने नहीं देंगे या हमको परेशान करेंगे, ये इनको डर है। इसीलिए ये संविधान की कुदरती जो व्यवहार था वो धीरे धीरे इन लोगों ने खत्म किया और ये इनका कानून लाके और हमारे समाज को फंसा दिया है। तो अब उस कानून से हमको समझना होगा कि हमारे समाज का जो कानून है वही कानून ये जो भी सरकार का आदमी आता है वो किसी भी सरकार को हमारे हमारे समाज में लागू नहीं होता है। ये जो कानून है ये न राज्य न केंद्र, ये किसी भी सरकार का कानून आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं है। लेकिन ये लोग जबरदस्ती हमारे समाज को गुमराह करके और इनके वाला कानून चला के और हमारे समाज को लूटने का और दूसरे रास्ते पे जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। तो जो हमारे जो संविधान की जो 13(3)(1) है वो हमें समझना होगा कि जो जो भी समाज के अंदर आदमी तय करते हैं कोई इतने आदमी इसी गांव को देखेंगे उसके अंदर सारे काम आ गए, सारे मतलब जमीन से लेके झगड़े से लेके पुलिस से लेके कोई भी काम होगा वो सारा काम
इस ग्राम सभा के मार्फत होगा, इस इलाके में कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी सामान्य व्यक्ति हमारे इलाके में बिना इजाजत से, बिना परमिशन से आ नहीं सकता है। इतना खतरनाक कानून है, लेकिन हमारा समाज इस बात को समझ नहीं रहा है, या समझ तो रहा है लेकिन उसको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। तो इस कानून को हमें समझना होगा कि भाई हमारी जो परंपरा अनुसार जो गांव समाज में जिस तरीके से जो भी कादीरा नियाप्ता जो करते हैं वो हमारे सामाजिक तरीके से होना चाहिए, और वो फिर अगर मामला नहीं जमता है तब फिर वापस पुलिस के पास या किसी अन्य व्यक्ति के पास जाते हैं। जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे तब तक किसी के पास में ये जाने की जरूरत नहीं है। हमारा समाज क्या है, अब आप लोग पुलिस के पास चले गए, पैसा चाहिएगा। अब वो आपस में हम लोग लड़ाई झगड़ा किया और पैसा सारा आपकी पुलिस ले जाएगी, आपके पास वकील ले जाएगा, ये सारा काम हमारे समाज के साथ में होगा। तो ये तो हम आपस में लूट रहे हैं और लुटा रहे हैं, और पैसों मामला यहाँ का है और पैसा दूसरे को दे रहे हैं, कमाते हम हैं और पैसा दूसरे को दे के आते हैं। तो ये जो सारी प्रक्रिया है हमारे समाज को सही तरीके से अच्छे ढंग से समझना होगा कि एक तो ये है, दूसरा कि भाई आज तक जो पैसा कानून करके एक इस देश में कानून लाए, और वो भी कानून हमारे देश में इस तरह से आज 20 साल हो गए, उस कानून का भी आज तक कोई इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, इम्प्लीमेंट। तो अब हम लोग धीरे धीरे ये समाज को उसी का हवाला देके और ये समाज को जगाने का काम चल रहा है। तो आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझनी होगी। दूसरा ये है कि भाई हमारा जो भी आदिवासियों ने इस देश में जो लड़ाइयां लड़ी, या इस देश में जो भी यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जितने भी आदिवासियों के हित में जो जजमेंट आए, वो सारे आदिवासियों के पक्ष में जजमेंट आए। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा समाज जागा नहीं है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी बेदखल किया जा रहा है, आपको अपने जमीन से दूसरी जगह धकेल दिया जाएगा, ऐसे हालत हमारे समाज में आएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ये सारी बातें जितने भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अपने लोगों के पास में आए, ये सारे हमको समझना होगा। एक तो यह है कि भाई ग्राम सभा की जो प्रोसेस है, ग्राम सभा कैसे और यह सब क्या काम करेंगे, मैंने जो बताया उसके अनुसार जो भी गांव में कोई भी लड़ाई झगड़ा, जमीन या कोई भी विवाद होता है, कोई भी बात होती है, आपस में मिलके हमारे गांव में ही हम लोग निपटारा करेंगे। ये इसके ऊपर संविधान का जो 13(3)(1) बोलता है, जो कि हमारा जो भी समाज का जो भी व्यवस्था होगा वो ये ग्राम सभा ही तय करती है, और ग्राम सभा के परमिशन के बिना कोई भी व्यक्ति हमारे गांव के इलाके में प्रवेश नहीं कर सकता है। एक तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसका सीधा साधा हमारी ग्राम सभा बनने के बाद में ऑनलाइन होता है, और इसका हवाला कलेक्टर के मार्फत से हम लोग राज्यपाल और राष्ट्रपति को भेज देते हैं, राष्ट्रपति को, जो कि भी हमारे गाँव में ये जो कुदरती जो स्वशासन जो हमारा समाज का था उसके अनुसार हमने ग्राम सभा बनाई है, और आपको आपकी जानकारी में हम लोग डाल रहे हैं, वो फिर वापस हमारे समाज में या वापस गांव में एक कागज आएगा और आपको ये बताएगा। ये सारी व्यवस्था है, इसके अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। इसके बाद में जो कि आदिवासियों के जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए, आप देख रहे होंगे कि जनजातियों के रूढ़ी प्रथा विधि का बल प्राप्त है, जो कि आदिवासी इलाकों में अपना कानून आदिवासियों का है,
इस बात को अभी अभी जो उदयपुर के आईजी साहब आए हैं नए, उन्होंने कहा था कि आदिवासियों के जो अपने कानून है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, है ना। लेकिन हमारा समाज क्या है कि लड़ाई झगड़े में कोई भी वाद विवाद हो जाता है तो सीधा आप किसी पुलिस के पास इसके पास चले जाते हो, तो वो सारी ध्यान रखनी होगी। उसके बाद में है कि भाई इस देश में एक ये जो ग्राम सभा थी उसका उड़ीसा का एक कानून आया, उसमें ये कहा गया है नियमगिरी पहाड़ करके एक बहुत बड़ा जंगल का इलाका था, पहाड़ था, और वहां पर यही जो ग्राम सभा बनी हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया कि आप लोग सभी डिपार्टमेंट उस गांव में जाओ और उस गांव का फैसला करके आओ, उस गांव में जो उनको रोक दिया गया है तो आखिर ऐसा क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि भाई जो वेदांता एक कंपनी थी उस कंपनी को वहां से उठना पड़ा और भागना पड़ा, लेकिन उस कानून को हमारे को भी और हमारे लोगों को भी इस बात को समझना होगा, तब जाके हम लोग इस काम को कर पाएंगे। दूसरा ये है कि 2011 का एक जजमेंट और आया, उसमें कहा जो कि इस देश के 92% लोग हैं वो बाहर के हैं, 8% लोग ही इस देश के मूल बीज मूल वतनी मूल मालिक है, तो अब वो मालिक कैसे है और इस देश के मूल बीज कैसे है उसके बारे में भी हमारे जो साथी है जो कि भारत सरकार क्या है और आदिवासी क्या है उसके बारे में अच्छे तरीके से हमको बताएंगे समझाएंगे। इस बात को हमें समझना है कि भाई सरकार सरकार बोलते हो लेकिन सरकार है क्या, उसके बारे में भी हमारे जो साथी है वो हम लोगों को बताएंगे। दूसरा ये है कि हम लोग हमारी पहचान और जो संस्कृति है वो धीरे 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 खत्म होती जा रही है। भाई हमारी जो संस्कृति है वो कैसे खत्म हो रही है कि हमारे जो जो लोग पढ़ लिख कर हमारे उधर खेरवाड़ा और उदयपुर डूंगरपुर में उदयपुर में और जो जो पढ़ लिख के होशियार हो गए वो सीधे खेरवाड़ा चले उदयपुर बंगला ले लिया, तो उससे क्या है कि हमारी जो परंपरा थी हमारी जो संस्कृति थी वो खत्म हो जाती है। पानी पी रहा हूँ कोई ऐसा मत समझना कोई दारू पी रहा हूँ ना रे, पण पछी कणाक ने એમ થાય ને ભાઈ કે આ તો યાર વાતો કરી હકે કે દારૂ જ નહીં પીતા એમ પણ પાણી પીવું, તો કહેને કા મતલબ હે કે ભાઈ યે જો સારી બાતે હે જો જો લોગ હમારે સમાજ કો સબસે પહેલા કામ કે હમારી પહેચાન જો હમારી સંસ્કૃતિ હે ઉસકો જિંદા રખના હોગા ઓર હમારે સમાજ કે જો સહી ક્યા હે ગલત ક્યા હે ऐसे लोगों को भी परखना होगा, तब जाके आने वाली पीढ़ी और आने वाला समाज हमारा बचेगा, नहीं तो खतरे से खाली नहीं है। इस बात को हमें अच्छे ढंग से इस बात को समझना होगा, हमारी पहचान संस्कृति, क्योंकि हमारे इलाके में ये जो पगड़ी वाले लोग हैं उससे पुलिस अगर चालान काटती है या वो गाड़ी रोकती है तो हमारे वाले लोगों को देख जाती है तो वो सीधी भाई रुको वो जय जोहार वाले आ रहे हैं अभी साइड में कर दो। तो कहने का मतलब ऐसा काम हमें इस इलाके में भी हमारे हर एक गांव गांव जाके और गांव गांव में हमें ये जानकारी देना होगा और हमारे समाज को जगाना होगा, तब जाके इस सारे काम को हम लोग कर पाएंगे। इसके बाद ये जो सारी बातें हैं ये मोटी मोटी हमको समझने की जरूरत है। इसके बाद में जो हमारे हमें और आगे हमें कैसे जाना है, जो कि ये समाज और कहाँ जा रहा है और कहाँ जाना चाहिए था उसको भी हमारे जो भी पढ़े लिखे जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं बच्चे युवा साथी आए हुए हैं उनको समझना होगा कि हम लोग जो सरकार सरकार बोलते हैं तो सरकार आखिर है कौन, तो उस सरकार के बारे में भी अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना होगा, तब जाके फिर धीरे धीरे हमारा समाज आगे हमारे जो भी युवा साथी है ये धीरे धीरे इस समाज को आगे ले जाएंगे, इस इलाके को आगे ले जाएंगे, तब जाके हमारे विकास ये जो सारा विकास की बात करते हैं लेकिन ये सब
झूठी और अफवाहें हैं। हम लोगों को जानबूझ के हमारे मजदूरी मेहनत का, हमारे किसानों का मजदूरी करके जो हम मेहनत करके जो कमाते हैं उसी के ऊपर ये बजट बना के और हमारे समाज को हमारे नाम से योजना के नाम से ये लोग लूट रहे हैं, तो उससे भी हमको बच के रहना होगा। इस बात को स्पष्ट तरीके से हम लोगों को समझना होगा। तो मैं ज़्यादा समय न लेकर और भी जो साथी है उसका भी हमको जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है हमारे समाज के बारे में कि भाई सरकार सरकार हम लोग बोलते हैं तो आखिर ये सरकार है क्या, ये हमको समझने की ज़रूरत है। तो एक बार पुनः मैं सभी साथियों का जोहार करके नमन करता हूँ और जय जोहार क्या है ये आप लोग जानते हैं। कुदरत इस पूरे प्रकृति की जय का मतलब है जोहार, और इस पूरी चंद्रमा सूरज अग्नि इस सब का भी कल्याण करने वाले की जो जय बोलते हैं उसकी ही ये जय है। इसके बाद में जो हमारा समाज जो बोल रहा है स्वकर्ता पितु की जय ऐसा भी हम बोलते हैं, जो कि वो हमारे लिए नया है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों को समझ में आएगा वैसे वैसे इस बात को आगे ले जाएंगे। तो मैं पुनः आप सभी साथियों का, क्योंकि ये जो विषय है ये लगातार 3 घंटे 4 घंटे का विषय है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जहाँ जहाँ हमारी जो जो मीटिंगें हो रही है वहाँ वहाँ मीटिंगों में आप लोगों को आना पड़ेगा, इस बात को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि आखिर इस हमारे समाज के बारे में ऐसा कौन सा कानून है, ऐसा क्या है, और सरकार जो बोल रहे हैं वो सरकार है क्या, ये हमारे समाज को किस तरीके से यहाँ पर राजनीति के नाम से संस्था के नाम से संगठन के नाम से हमारे समाज को जो लूटते हैं उससे हमारे को बच के रहना होगा। और अंत में पढ़ाई के मामले में हर एक परिवार समाज के जो भी बहन बेटियां है भाई है वो सभी ध्यान दे कि भाई शिक्षा के अंदर तो आपको जाना ही होगा, क्योंकि जब तक आप पढ़ने लिखने की जानकारी नहीं रखोगे तब तक इस समाज को भी आगे आप लोग समाज ये है क्या इसको समझ नहीं पाएंगे। तो एक बार पुनः जय जोहार स्वकर्ता पितु की जय।